नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। जयकारों के साथ मुनि श्री निर्णय सागर महाराज का भोपाल शहर में प्रवेश। सिद्धार्थ लेक सिटी जिनालय में आचार्य विद्या सागर जी समय सागर जी महाराज के शिष्य निर्णय सागर जी महाराज सत्संग का राजधानी में प्रवेश हुआ। सिद्धार्थ लेक सिटी में भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी की वंदना की और समाज जिन्होंने जय जय गुरुदेव की जयकारों के साथ भव्य अगवानी की। इस अवसर पर सोनागिरी और शंकराचार्य नगर के युवा दिव्या घोष के माध्यम से स्वामी नमस्ते के जयकारे लगा रहे थे। श्री नेमीनाथ जिनालय नेमी नगर करोंद में आचार्य विनम्र सागर जी के शिष्य मुनि विज्ञ सागर जी का दीक्षा दिवस मनाया गया। नंदीश्वर जिनालय में आरेका दृढ़ मतिमा के सानिध्य में जाप अनुष्ठान हुआ। मुनि श्री निर्णय सागर जी की अगवानी समिति के अध्यक्ष पंकज जैन, राजेंद्र सेठी, आदित्य जैन आदि समाज के लोगों ने की। मुनि श्री निर्णय सागर जी ने कहा, मनुष्य का परम मित्र धर्म और परम शत्रु कषाय है। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। इस अवसर पर धर्म सभा का संचालन अविनाश भैया द्वारा किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष विमल जैन, मनीष विजयराज, इंजीनियर प्रियंक सिंघई, महामंत्री आदित्य जैन, सह मंत्री राजेश नायक, संगठन मंत्री इंजीनियर अजय जैन, संजय मेहता, सांस्कृतिक मंत्री डीके जैन, कोषाध्यक्ष अनिल जैन सह कोषाध्यक्ष मनोज जैन, अन्य प्रमुख पदाधिकारी में संरक्षक राजेंद्र सेठी, महावीर सिंघई, डॉक्टर जे के जैन, इंजीनियर सुरेंद्र जैन, सलाहकार मंडल में राजीव जैन, पीके जैन, विनोद विजयराज, सुभाष चंद, तुली चंद्र नायक, सुमित्र, महिला मंडल अध्यक्ष ज्योति और महिला आदि मौजूद रहे। 5 दिसंबर को भानपुर जैन मंदिर में स्थापना दिवस के अवसर पर मुलायक भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तक अभिषेक होगा। 6 दिसंबर को मूल समय के सानिध्य में निर्मित धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर पलासी जेल रोड का शिलान्यास कार्यक्रम होगा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। अहिंसा धर्म है। जो लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं उनको कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारा सौभाग्य, हमने जिस देश में जन्म लिया है उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मैंने हिंदुस्तान शब्द में विचार किया, हिंदुस्तान का हिंद के नाय, हिंसा से तुम दूर रहो, हिंसा हिंदुस्तान का दुष्के दाय, दुश्मन को भी तार करो, हिंदुस्तान का ताके दाय, ताना ताई दूर रखो, हिंदुस्तान का नाके दाय, नशा पाप से दूर रहो, नशा पाप से दूर रहो। हम अहिंसा धर्म का पालन करते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम उस धर्म में विश्वास रखते हैं जहाँ दुश्मन को भी प्यार की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहाँ अनादि काल से एक सूक्ति चलती है, वसुधैव कुटुंबकम्। पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे भारत देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे हिंदुस्तान हो, सबको मिलकर प्रेम भाव से रहने के लिए संदेश दिया गया है। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, एक ही बात होना चाहिए, सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना दुख पावे, इतना ही कहना चाहता हूँ।
कोई भी किसी भी जाति का हो, कहीं पर भी रहे, प्रेम बात्सल से मिल के रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें, इसी में कल्याण है। इसलिए सब लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने किसी के प्रति अन्याय किया है उनको एक अन्याय छोड़ करके उनको भी इंसान मान करके उनसे प्यार करना चालू करना चाहिए, इसी से विश्व शांति उत्पन्न होने वाली है।